देख रहे हैं लाइव आज हर खबर। जनपद बिजनौर चांदपुर थाना अंतर्गत ब्लॉक जलीलपुर पुलिस चौकी सीतामठ क्षेत्र के ग्राम जमालदीपुर निवासी महिपाल सिंह पुत्र छत्रु यह लोग बाहर से अवैध शराब लाकर बेचने के साथ साथ अपने भाई ओम प्रकाश के साथ शराब पिया करता था। इनका पड़ोसी सोनू पुत्र रोहताश इनकी हरकतों पर एतराज करता था। सोनू के विरोध के चलते महिपाल व ओम प्रकाश ने 16 नवम्बर 2020 को सोनू की उस वक्त तेज धारदार चाकू से प्रहार कर हत्या कर देने की घटना को अंजाम दे दिया था। पुलिस ने सोनू की हत्या के अगले दिन ओम प्रकाश को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन हत्या के बाद से ही महिपाल पुलिस की गिरफ्तारी से दूर था। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह की ओर से महिपाल पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और 4 दिन पूर्व पुलिस अधीक्षक डॉक्टर धर्मवीर सिंह ने कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त करने तथा अपराधियों की धपड़ कर जेल भेजने हेतु किरतपुर थाने में तैनात तेजतर्रार युवा ईमानदार उप निरीक्षक श्यामवीर सिंह को चांदपुर पुलिस कोतवाली अंतर्गत ब्लॉक जलीलपुर पुलिस चौकी सीतामठ का प्रभारी बनाकर भेजा गया। इसी क्रम में चौकी का चार्ज संभालते ही श्यामवीर सिंह ने कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार के नेतृत्व में पिछले एक वर्ष से वांछित चल रहा 25,000 रुपए का इनामी हत्यारोपी महिपाल पुत्र छत्रु को शुक्रवार की सुबह समय करीब 2:45 बजे चांदपुर रोडवेज के पास से मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने महिपाल को हिरासत में लेते समय उसकी जामा तलाशी के दौरान उसके पास से एक 315 बोर का नाजायज तमंचा व 2 जिंदा कारतूस बरामद किया। पुलिस ने हत्या आरोपी महिपाल सिंह के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही के बाद न्यायालय को भेज दिया। आज न्यूज चैनल ने जिला बिजनौर के चांदपुर से रिपोर्टर सलीम अहमद की खास रिपोर्ट। 17/11/2020 को थाना चांदपुर के जमालुद्दीनपुर में सोनू नाम के एक लड़के की दो भाइयों ने मिलकर के हत्या कर दिया था। ओम प्रकाश और महिपाल, ओम प्रकाश की गिरफ्तारी हो चुकी है पहले ही और महिपाल की आज तमंचे कारतूस के साथ गिरफ्तारी की गई है। इसको भगोड़ा घोषित किया जा चुका था, 25,000 रुपये का इनाम घोषित था। गिरफ्तारी करके विधिक कार्रवाई करते हुए इसको जेल भेजा जा रहा है।